Good morning, all of you. How are you? I hope you are fine. बच्चों, आज हम आपको बताएंगे छोटी की मात्रा जोड़कर कैसे अक्षर लिखे जाते हैं ये हम बताएंगे, और कैसे पढ़ा जाता है, उनका उच्चारण कैसे किया जाता है ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हमने बड़े की मात्रा वाले शब्द बताए थे और मात्रा बताई थी कि कैसे लगाई जाती है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उसका उच्चारण किया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने उसको पढ़ा भी होगा, लिखा भी होगा और समझा भी होगा। तो आज हम आपको छोटी की मात्रा के शब्द पढ़ाएंगे। देखिए, माँ लिखा है और ये कौन सी मात्रा लगी है? छोटी की मात्रा। माँ में छोटी की मात्रा मी। स्पीक विद मी। माँ में छोटी की मात्रा मी। रिपीट अगेन। माँ में छोटी की मात्रा मी। सा में छोटी की मात्रा सी। सा में छोटी की मात्रा सी। दा में छोटी की मात्रा दी। दा में छोटी की मात्रा दी। दा में छोटी की मात्रा दी। खा में छोटी की मात्रा खी। रिपीट अगेन। माँ में छोटी की मात्रा मी। सा में छोटी की मात्रा सी। दा में छोटी की मात्रा दी। खा में छोटी की मात्रा की। ऐसे आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे माँ में कौन सी मात्रा लगी, आप लोग बताइए। वेरी गुड। छोटी की मात्रा माँ में छोटी की मात्रा मी। ल मिल। सा में छोटी की मात्रा सी। र सिर। दा में छोटी की मात्रा दी। न दिन। खा में छोटी की मात्रा की। ल खिल। खा में छोटी की मात्रा खी। ल खिल। रिपीट अगेन। माँ में छोटी की मात्रा मी। पहले तो आप उच्चारण करना सीखे। माँ में छोटी की मात्रा मी, इसको हम मी बोलते हैं। सा में छोटी की मात्रा सी। दा में छोटी की मात्रा दी। ना में खा में छोटी की मात्रा की। माँ में छोटी की मात्रा मी। ल तो क्या हो जाएगा? मिल। मिल। सा में छोटी की मात्रा सी। र सिर। दा में छोटी की मात्रा दी। न दिन। खा में छोटी की मात्रा की। ल खिल। तो ये आप उसको घर पे पढ़िएगा, उसका उच्चारण सही से करिएगा ताकि आप उसका उच्चारण करना सीख सकें। आपको कोई भी मात्रा समझने से पहले आपको उसका उच्चारण करना जरूर आना चाहिए। जैसे ये मैंने वर्कशीट तैयार की, इसमें छोटी की मात्रा जोड़कर अक्षर लिखो। अब इसमें जो छोटी की मात्रा होती है वो आगे से लगती है ना। अब देखिए ये लिखा है माँ। माँ में कौन सी मात्रा लगी? छोटी है तो हम ऐसे मात्रा लिखेंगे। माँ में छोटी की मात्रा मी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मी। तो हम यहाँ पे मी क्या बोलेंगे इसको? मी। आप लोग बताइए क्या बोलेंगे इसको? मी। नेक्स्ट देखिए कौन सा अक्षर लिखा, वर्ड लिखा है। टेल मी। सा लिखा है। देखिए सा लिखा है। सा में कौन सी मात्रा लगी है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सा में छोटी की मात्रा सी। क्या बोलेंगे? सी। सी। तो ये छोटी की मात्रा होगी। अब जैसे ये ना लिखा है, ना में छोटी की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? नी। नी। और बा है, बा में छोटी की मात्रा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? बी। ऐसी। तो आप इसको ऐसे इसका कन्वर्सेशन करिए, इसको पढ़िए। सबसे पहले तो आप इसको पढ़िए कि कैसे पढ़ा जाता है। लिखिए गा। गा में छुट्टी की मात्रा होगी तो क्या हो जाएगा? गी। और का है, देखिए का है, का लिखा है, का में छुट्टी की मात्रा होगी तो क्या हो जाएगी? की। क्या बोलेंगे इसको? की। अब देखिए
हमने ये दा बनाया है, दा में छोटी की मात्रा हो जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे, दी। और खा, खा में छोटी की मात्रा होगी तो इसको बोलेंगे खी, खी। और सबसे पहले तो आप समझिए छोटी की मात्रा कैसे लगती है, आगे से लगती है। जैसे मा, मा में छोटी की मात्रा मी, सा, सा में छोटी की मात्रा सी, ना, ना में छोटी की मात्रा नी, बा, बा में बड़ी, बा में छोटी की मात्रा बी, ग, ग में बड़ी छोटी की मात्रा गी, क, क में छोटी की मात्रा की, द, द में छोटी की मात्रा दी, ख, ख में छोटी की मात्रा थी। तो आप इसको ऐसे घर पर पढ़ने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले तो आप उच्चारण करना सीखिए। कोई भी मात्रा पढ़ने से, सीखने से पहले हमें इसका उच्चारण जरूर आना चाहिए। जैसे माँ है तो इसको म बोलते हैं, माँ। इसमें जब छोटी की मात्रा लगा देंगे तो मी हो जाएगा, मी। तो आप इसको ऐसे ही पढ़िएगा घर पे, ताकि अच्छे से आप इसको समझ सकें, इसका उच्चारण ढंग से कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।